हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीज़ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 111 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके 110 एपिसोड नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे एज इट इज आपको मिल जाते हैं, जाके उन चीजों का मजा उठाओ और इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखो और आपका एक फेवरेट मोमेंट कमेंट डाउन भी कर देना। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 111। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर पिकलो के पीछे पड़ चुके हैं ये सारे लोग। जहाँ पर ये लोग आते हैं और पिकलो को मारने की कोशिश करते हैं, तभी पिकलो इनके ऊपर ब्लास्ट करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं नीचे से दोन हाथ आते हैं जो कि पिकलो को पकड़ लेते हैं। तभी यामचा निकल पड़ता है इसे पकड़ने के लिए, जहाँ पर यामचा पकड़ लेता है पिकलो की गर्दन और उसे चूसने लगता है। जैसे कि एक वैम्पायर चूसता है, उस तरह से वो खून चूस रहा है। इधर ये जो मैरन, गोहान और क्रिलिन है, ये निकल चुके हैं इधर गार्लिक जूनियर से लड़ने के लिए। जहाँ पर वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सामने और कोई नहीं, पिकलो ही खड़ा है। जहाँ पर ये लोग कहते भी है कि तुम्हें बहुत देर लग गई आने में, कहाँ रह गए थे। जहाँ पर पिकलो इनके ऊपर अभी अटैक करने वाला है। और अब इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं जहाँ पर पिकलो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जो कि वैम्पायर बन चुका है एक तरह से, जो मारने आ रहा है इन दोनों को। तभी वहाँ पर गोहान और क्रिलिन खड़े है जो कि अभी लड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। और तभी ये जो जिंजर है, इसने एक्चुअल में पकड़ के रखा है पिकलो को। तभी इधर गार्लिक जूनियर आगे आता है और कहता है कि गोहान, तुम तो मिल गए, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे डैड कहाँ पर है ये मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि उन्हें भी खत्म करना है और तुम्हें भी खत्म करना है। दोनों को खत्म करने के बाद इस पूरे यूनिवर्स पर मेरा राज होगा, जिस तरह से अब इस प्लैनेट पर मेरा राज चल रहा है। जहाँ पर गोहान कहता है कि मेरे डैड कहाँ पर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो डैड यहाँ पर जरूर आ जाएंगे। और तभी गोहान कहता है कि मैं डैड का पता तो बता दूंगा तुमको, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। जहाँ पर गोहान बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी एनर्जी लेवल आगे बढ़ा देता है, जहाँ पर वो आगे चले जाता है। जैसे ही वो मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी हम देखते हैं कि गार्लिक जूनियर को लग चुकी है उसके फेस के ऊपर। जहाँ पर गार्लिक जूनियर ने खुद को डॉज तो कर लिया है, लेकिन डॉज के साथ साथ ही उसके फेस के ऊपर भी लग चुका है। जहाँ पर गोहान बहुत ज्यादा गुस्से में है, जहाँ पर गार्लिक जूनियर को वो पुराना वाला ही गोहान नजर आता है। जहाँ पर वो कहता भी है कि मेरे से ज्यादा तुम्हारी पावर क्यों है, ये अब मुझे समझ में आ रहा है। जहाँ हम पुराने ग्लिम्स देखते हैं, जहाँ पर ये जो गार्लिक जूनियर था, ये एक्चुअल में फेंक रहा था इसको ब्लैक होल के अंदर, किसको, गोहान को। तभी गोहान जो है वो अपनी एनर्जी लेवल इस तरह से बूस्ट कर लेता है, जिसके चिल्लाते ही यहाँ पर गार्लिक जूनियर ही खुद उस ब्लैक होल में चला जाता है और गोहान यही पर रुक जाता है। अब गोहान का बांध टूट चुका है, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल अप कर देता है, और वो अब मारने ही वाला होता है। तभी गार्लिक जूनियर ये जो दो बाउल्स है ये दिखा देता है, जो कि कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें कामे को भी खत्म करना होगा, क्योंकि वो मेरे साथी है। ये देखने के बाद गोहान अपनी पूरी एनर्जी लेवल डाउन कर देता है। और इधर तभी आ जाता है जिंजर, जो कि सीधा ही एक मुक्का मार देता है गोहान को, जिससे गोहान दूर जाकर गिर चुका है, जो कि ऑलमोस्ट नीचे ही गिरने वाला है। इस तरह से एक पूरे ही आखिरी छोर पर पहुंच चुका है गोहान। अब क्रिलिन दौड़ता है गोहान को उठाने के लिए, तभी उसके सामने विनेगर आ जाता है, जो कि उसे मारने के लिए रेडी है। अब इधर वो कहता है कि तुम पहले मेरा सामना करो, और इधर गोहान कैसे तो करके उठ खड़ा है, जो कि जिंजर के सामने खड़ा है, जहाँ पर ये जिंजर अभी मारने वाला है। तभी यहाँ पर ये जो गार्लिक जूनियर है, ये कहता है कि रुको दो मिनट, जो कि अपनी एनर्जी के बदौलत कामे के घर के अंदर अपनी एक खुद की चेयर लगा लेता है, जो कि जमीन फाड़कर ऊपर आ जाती है, जिसके ऊपर वो बैठता है और कहता है कि बस मेरे सामने ही लड़ना, ज्यादा दूर मत जाना, मुझे मजा देखना इस फाइट का। जहाँ पर ये जिंजर कहता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। और अब इन दोनों की फाइट शुरू होने वाली है। इधर पिकलो को अभी भी पकड़ रखा है, क्योंकि पिकलो बहुत ज्यादा खूंखार हो चुका है। इधर कामे सोच ही रहा है क्रिस्टल बॉल के अंदर बैठकर कि आखिरकार अब कौन जीतेगा। जहाँ हम देखते हैं कि गोहान अभी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये जो जिंजर है ये मार ही देता है गोहान को नीचे, जहाँ पर ये कंटिन्यू मारे जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इधर क्रिलिन जो है वो दौड़ के आने की कोशिश कर रहा है, तभी उसे रोक लिया है। जहाँ पर वो दोनों लड़ रहे हैं और इधर गोहान कंटिन्यू मार खाते जा रहा है, जहाँ पर इतना ज्यादा मार खाने के बाद उसके मुंह से अभी खून निकल नहीं वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि गोहान कैसे तो करके उठ खड़ा होता है, जो कि यही कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत
सहेलिया। तभी इधर क्रिलिन आवाज दे रहा है कि गोहान खुद को बचाओ, लेकिन क्रिलिन खुद को नहीं बचा पा रहा, जिसको एक ही जोर का मुक्का भी लग जाता है, जिससे क्रिलिन नीचे गिर चुका है। अब इधर ये जो गोहान है ये उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी पीछे से एक जोर का ब्लास्ट मार देता है वो गोहान के ऊपर। लेकिन ब्लास्ट जैसे ही उसे हिट करने वाला होता है, उतने ही समय में वहाँ पर पहुँच जाता है क्रिलिन, जो कि पूरा ब्लास्ट खुद के ऊपर झेल लेता है। जहाँ गोहान देखता है और चिल्लाता है कि क्रिलिन ये तुमने क्या कर दिया, जहाँ पर क्रिलिन बहुत ज्यादा ये बड़ा ब्लास्ट झेलने की वजह से वहाँ पर अभी गिर चुका है। इधर अभी हम देखते हैं कोरिन टावर के ऊपर, ये जो मारोन है ये एक्चुअल में एक्सरसाइज कर रही है, जो कि कहती है कि लड़कियों के शेप का जो राज है ना वो एक्सरसाइज में ही है। वो नाच रही है और अपने बहुत अदाए बिखेर रही है, जहाँ पर कोरिन और ये जो याजारो भी है ये बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे है, जो कि कह रहे है कि भाई कुछ भी हो जाए ये जो लड़कियां होती है ना सच में लाजवाब होती है और ये लोग शर्मा रहे है। तभी यहाँ पर ये जो मैरोन है ये रुक जाती है और कहती है कि मुझे भूख लग गई है, मेरे लिए तुम दोनों कुछ बनाते क्यों नहीं हो। जहाँ पर ये दोनों कहते हैं कि हमने आज तक कुछ नहीं पकाया तो तुम्हारे लिए कैसे बनाए। जहाँ ये अपने थोड़े से अदाए बिखेरती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे खाना खाना चाहिए, मैं इस तरह से अगर भूखी रही तो मैं मर जाऊंगी। तभी यहाँ पर ये दोनों ही बहुत ज्यादा ब्लश करने लगते हैं और जो चले जाते हैं, कहते हैं कि हम दोनों ही बनाएंगे। अब ये दोनों नीचे उतर चुके हैं जो कि दोनों ही खाना पका रहे हैं। तभी याजारो भी कहता है कि एक लड़की क्या क्या नहीं करवाती। जहाँ कोरिन भी खाना पका रहा है, अब हम देखते हैं कि कोरिन को आवाज दे दिया है तो कोरिन ऊपर भाग चुका है। इधर हम देखते हैं क्रिलिन को, जिसने पूरा ब्लास्ट झेलने की वजह से वो नीचे गिर चुका है। जहाँ पर क्रिलिन कहता भी है कि हाँ मैं ठीक हूँ गोहान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम खुद को बचाओ, इन लोग को मारो। जहाँ पर क्रिलिन कहता है कि अब बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें इसको मारना ही होगा, इसे जवाब देना ही होगा। मेरे लिए न सही लेकिन इन लोगों के लिए तो तुम्हें ये करना ही है, जहाँ पर हमारा पूरा ही अर्थ खतरे में है, इस वजह से तुम्हें वो जो मैजिक वाटर है उसे निकालना होगा। जहाँ पर गोहान कहता है ठीक है, और क्रिलिन वहाँ पर बेहोश होके गिर चुका है। अब जहाँ पर गोहान को गुस्सा आता है, गोहान एनर्जी लेवल अप करता है और अब हम देखते हैं प्लैनेट पर दूसरे, जहाँ पर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि अभी भी सेंस किए जा रहा है कि आखिरकार कैकेरोट है तो है कहाँ। जहाँ पर वो इतने ज्यादा एनर्जी लेवल गेन करता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है। ब्लास्ट के साथ साथ ही धुआं हिलता है और उसके बीच में से सीधा ही वेजिटा को कैकेरोट की थोड़ी सी सेंस आ जाती है। जहाँ पर वेजिटा कहता है ओ नो, ये तो कितने टाइम से यही पर था, मुझे पता ही नहीं चला। जहाँ पर वेजिटा जो है वो उड़ जाता है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की तरफ। अब वहाँ पर पहुँचते ही उसे लगता है कि उसने कैकेरोट को ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है। जहाँ पर वेजिटा को पता चल जाता है कि ये यही पर हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो प्लैनेट पर उतरने जाता है वैसे ही वो देखता है कि उसकी तरफ एक बड़ा सा पत्थर आ चुका है, जो कि और किसी ने नहीं हमारे गोकू ने ही फेंका होगा। जो कि आता है तो अपना वेजिटा पूरी तरह से उसे फोड़ देता है, और फिर वेजिटा हंसता है और कहता है कि कैकेरोट कब से यही पर था, जो कि मुझे पता ही नहीं चला। अब वो उतरता है उस जगह पर और नीचे देखकर हंसता है। इधर हम देखते हैं गोहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है, जिसकी एनर्जी बहुत बड़ी हो चुकी है। जहाँ पर अभी ये जो दोनों है यानी गार्लिक और विनेगर, ये दोनों अभी खड़े है, जहाँ पर ये दोनों अपनी दोनों एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं एक साथ और वो सीधा ही फेंक देते हैं गोहान के ऊपर। जहाँ गोहान एनर्जी फुल्ली अब कर खड़ा है, जहाँ ये एनर्जी ब्लास्ट सह लेता है। अब ये एनर्जी ब्लास्ट सहने के बाद उधर क्रिलिन कहता है कि गोहान आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि ये जो ब्लास्ट है इसमें से इजीली गुजर चुका है अपना गोहान, जिसको कुछ नहीं हुआ है। अब इधर गोहान जो है वो मैसेकर वाला ब्लास्ट कर देता है सीधा ही इस जिंजर के ऊपर, जिससे वो पूरा ही गायब हो जाता है इस ब्लास्ट में, यानी कि मर चुका है। अब ये जो विनेगर है ये भाग के आता है मारने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर गोहान उसे एक लात मार देता है जिससे वो दूर जाकर खड़ा है, और इधर गोहान फिर से एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। अब इस एनर्जी ब्लास्ट के अंदर जिंजर भी मर चुका है। अब ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा शॉक में है, जहाँ पर पसीना भी छूट चुका है गार्लिक जूनियर को, जो कि देखता है और कहता है कि अब इसे छोड़ने की बारी आ चुकी है। जहाँ पर ये जो पिकोलो है ये दौड़ के आ रहा है गोहान से लड़ने के लिए, जहाँ पर दौड़ के आता है और गोहान उसे कुछ नहीं कर पाता और गोहान को वो मुक्का मार देता है, जिससे गोहान नीचे गिर चुका है। अब गोहान की गर्दन पकड़ कर और वो कंटिन्यू दबाया जा रहा है, और इधर गार्लिक जूनियर बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा है। तो अब क्या हमारा पिकलो गोहान को मार देगा या फिर गोहान उसे आवाज देकर फिर से वापस ला पाएगा, जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।